पौरी विधानसभा में पहुंची संत शिरोमणि रविदास यात्रा, हुआ भव्य स्वागत। बारिश के बीच में जगह जगह पानी में भीगते हुए ग्रामवासियों द्वारा चरण पादुका का किया गया पूजन। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जन जन तक संत शिरोमणि रविदास की शिक्षाओं को पहुंचाने एवं समरसता भरे समाज की स्थापना के उद्देश्य से पूरे मध्य प्रदेश में 5 समरसता यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। आज शुक्रवार को ये यात्रा पोहरी विधानसभा पहुंची, जहां पोहरी विधानसभा क्षेत्र के पोहरी, बैराड, भौराना, धतूरा, भटनावर, पोहरी में जनसंवाद करते हुए संत रविदास के सामाजिक समरस समाज का संदेश दिया गया। बता दें कि श्योपुर में शुरू हुई ये यात्रा मुरैना, दतिया, करैरा, ग्वालियर, मोहना होते हुए बरसते पानी के बीच पोहरी विधानसभा पहुंची है। बारिश के बीच में जगह जगह पानी में भीगते हुए ग्रामवासियों द्वारा चरण पादुका का पूजन और पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। बांस शिल्प बोर्ड के अध्यक्ष घनश्याम पिरोनिया ने संबोधित करते हुए कहा कि समरसता यात्रा सर्व समाज को जोड़कर लोगों में सामाजिक समरसता का संदेश पहुंचा रही है। ये यात्राएं प्रदेश के प्रत्येक गांव से एक मुट्ठी मिट्टी और पवित्र नदियों का जल एकत्र कर सागर पहुंचेगी, जहां 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35 एकड़ में 102 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले संत रविदास मंदिर का शिलान्यास करेंगे। संत शिरोमणि रंजना दीदी ने जनसंवाद को संबोधित करते हुए उपस्थित संतजनों और पार्टी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास समरसता यात्रा के माध्यम से समाज और देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है। पोहरी विधानसभा में आयोजित जनसंवाद में बांस शिल्प बोर्ड के अध्यक्ष घनश्याम पिरोनिया, संत शिरोमणि रंजना दीदी, राज्य मंत्री व स्थानीय विधायक सुरेश राठखेड़ा, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रहलाद भारती, नरेंद्र बिरथरे, महामंत्री सोनू बिरथरे, पृथ्वीराज जादौन, उपाध्यक्ष दिलीप मुदगल, पोहरी मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी, लक्ष्मी नारायण खटीक, रामकली चौधरी सम्मिलित हुए। राज जी महाराज की संतों के बारे में वर्णन तो नहीं किया जा सकता। कहां सूर्य के सामने दिया दिखाने वाली बात। संत समाज के लिए जीते हैं, जगत के कल्याण के लिए जीते हैं, इस धर्म के रक्षण के लिए जीते हैं। ऐसे महान तपस्वी संत श्रोमणी रविदास जी महाराज, जिन्होंने सुखों को त्याग कर, सबको त्याग कर सनातन धर्म को धारण किया था। जानते हो आप, सिकंदर लोधी मुगल जो बहुत सारे प्रलोभन दे रहा था, आपको सुखों में रखूंगा, जो आप कहेंगे आपके आदेश अनुसार कार्य होगा, लेकिन महाकवि महाविद्वान रविदास जी महाराज ने सुख को नहीं स्वीकारा था, उन्होंने दुख को स्वीकारा था और कहा सिकंदर एक क्या ये हजार जन्म भी मैं लूंगा तो भी मैं सनातन के लिए ही मरूंगा। ये सिखाते हैं हमारे देश के संत, इसलिए संतों का संग कीजिए। मैं निवेदन करना, धर्म की बात करती है तो धर्म की बात करती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। चाहे अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे आज कभी हमने नहीं सोचा था कि संत रविदास भगवान का मंदिर हम 100 करोड़ का बना लें, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का नहीं है, ये 100 करोड़ का। और धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कि आपने हर समाज का हर वर्ग का ध्यान रखा और हमारे जाकर भाइयों के मनोबल को बढ़ाया, उनको जगाने की कोशिश की। और रविदास जी को छोटी मोटी हस्ती में तो साक्षात उनको भगवान मानता हूं। अभी बेरान बात हुई थी, ये वो शक्ति है, ये वो और भक्ति में वो शक्ति है, वो दुनिया में कहीं आपको मिलेगी नहीं। जब रविदास जी जो जूते बना रहे थे, जूते सिल रहे थे, अभी भैर रामकली ने पूरी टीम ने राहपी जो भेंट की थी, उस राहपी की कितनी बड़ी ताकत थी, कितनी बड़ी उस राहपी में शक्ति थी। क्या जब वो जूता बना रहे थे तो भगवान उनकी परीक्षा लेने को चले आए। जब भगवान परीक्षा लेने आए और भगवान ने कहा रविदास जी ये पारस पत्री ले लो, जिसको छुओगे कोई सुनना हो जाएगा। वो कितने दयालु थे, कितने संत बड़े थे, उन्होंने कहा टपरिया में उसको खुच जाओ। तो भगवान देश बदल के आए थे और टपरिया में खुच के चले गए। जब वो साल दो साल बाद महाराज को ध्यान आया तो भाई रविदास जी को देखता हूँ आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जब वो लौट के आए तब भी वो जूता बना रहे थे।
जब जूता बना रहे थे तो फिर भगवान ने भेष बदल के पूछा कि भाई मैं तुझको वो देखे गया था पारसमणि वो कहाँ है, उन्होंने कहा जा तू खुच के गया भाई देख लेना भाई खुच रही होगी। तो ये था उनका आत्मविश्वास आत्मबल। तो मैं तो साक्षात संत तो थे और संत में वास भगवान का होता है, ये भगवान का वास था। समाज किसी का नहीं होता, समाज धर्म किसी के पट में नहीं होता। आज कौन सा ऐसा समाज है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संत जी को नहीं मानता हो? आज उनकी पत्रिका को उनकी उनकी कड़ाओं को सभी लोग मंच में बैठे हैं, जहाँ जो मिलते हैं लपक के लेते हैं, सिर पर रखते हैं, तो पूजा उसी की होती है जो कुछ कुछ लायक होता है। और वो जब होता है जब प्रभु की कृपा होती है। साथियों हमें दोनों को सुनना है, हमें आदमी हमारे परिवार को दीदी को सुनना।